आप में से कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने शादी की थी या फिर वह सिंगल ही थे। तो मैं आपको बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जितने बड़े फिजिसिस्ट थे उतने ही बड़े आशिक भी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मिलेवा थी जो एक फिजिक्स की छात्र थी। अल्बर्ट और मिलेवा की मुलाकात ज्यूरिख में हुई और इन्होंने 1903 में शादी कर ली। मिलेवा के कुल तीन बच्चे थे, लीजल, हांस और एडवर्ड। 1919 में उनका तलाक हो गया। इस तलाक के पीछे मिलेवा का कहना था कि वह मेरे से ज्यादा फिजिक्स को महत्व देते थे। आइंस्टाइन की दूसरी पत्नी उनकी चचेरी बहन एल्सा थी। उन्होंने 1919 में शादी की और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। आइंस्टाइन की शादियां अफेयर्स के कारण खराब थी। उनके कम से कम 10 महिलाओं के साथ अफेयर्स थे जिसमें उनकी सीक्रेटरी और दोस्त की भतीजी भी शामिल थी। आइंस्टाइन ने लिखा है कि बेवफाई एक बोझ है क्योंकि आमतौर पर इसके परिणाम स्वरूप एक पुरुष दो महिलाओं के बीच फंस जाता है जो एक दूसरे के प्रति शत्रु हो जाते हैं। उन्होंने लिखा कि इस समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह था अल्बर्ट आइंस्टाइन की शादियों का रहस्य। वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।